start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Muazzaz Nazreen Ikram, भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइल की जिद में है. भारत जितने भी हथियार खरीद ले और तरह तरह के अमेरिका से मिसाइल हासिल कर ले, फिर भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता. पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो भारत को चंद मिनटों में सफाई हस्ती से मिटा सकता है. भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर अपनी हुकूमत पर बरस पड़ा और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज के बारे में अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स को बताकर इनकी नींदें हराम कर दी. भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की कौन सी टेक्नोलॉजी भारत को ख़त्म कर सकती हैं? नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हर तरह से मार गिराने वाले मिसाइल अपने दिफा में शामिल कर लिए हैं जो बराए रास्त भारत पर हमला करने की सलाहियत से लबरेज हैं और वो मिसाइल ज्यादा दूर तक मार भी सकते हैं. नाज़रीन कराम, जबकि दूसरी जानिब रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी बनाकर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा कर दिया है और पाकिस्तान मुल्की सतह पर जंगी जहाज भी बना रहा है जो पाकिस्तानी फिजाइया में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं. नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है जिसका तोड़ अभी तक रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के पास भी नहीं है और ऐसे मिसाइल भी पाकिस्तान ने बना लिए हैं जो भारतीय शहर दिल्ली से लेकर असम तक आसानी से मार कर सकते हैं. और पाकिस्तान MIRV टेक्नोलॉजी के जरिए एक साथ भारत पर 12 एटम बम गिरा सकता है और भारत के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो पाकिस्तानी मिसाइल को नकारा कर सके, जबकि पाकिस्तान के पास एक ऐसा खुफिया हथियार मौजूद है जो भारतीय मिसाइलों को फिजा में नकारा कर सकते हैं. नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की जानिब से अपनी हुकूमत और साइंसदानों पर काफी तनकीद की गई है कि पाकिस्तान अपने दिफा में आए रोज जदीद टेक्नोलॉजी शामिल कर रहा है और हमारी हुकूमत इस दौर में भी दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदने में लगी हुई है. नाज़रीन कराम, आज के लिए बस इतना ही. वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.